और चलिए अब जरा भाभी जी के मोहल्ले में होकर आते हैं। वैसे जिस दिन केस आप सोच रहे हैं मोहल्ले में जाएंगे और कहेंगे भाभी जी घर पर है क्या, तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि अंगूरी भाभी जो है ना वो बन गई है क्लब डांसर, और विभूति और तिवारी जी बन गए हैं टोटली हिप्पी और पहुंच गए हैं चाइना टाउन नाम के एक क्लब में। अब ये कहीं जासूसी करने के लिए अंडर कवर तो नहीं हो गए हैं? गई हैं अंगूरी वाली हैट पहनकर, श्रीदेवी जैसा गाउन पहनकर, और हेलन पर फिल्माए गए गाने पर कर रही हैं डांस, और उनका साथ दे रहे हैं विभूति नारायण और लड्डू के भैया यानी मनमोहन तिवारी जी, वो भी हिप्पी बनकर। जैसे कि भाभी जी में नए नए हम लोग गेटअप्स लेते रहते हैं और कुछ फनी फनी सीक्वेंसेस आते हैं, तो आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत विग पहनी है लड्डू के भैया ने जी, और मैं बिल्कुल हिप्पी हो गया हूँ और हिप्पियों की तरह मैं गाना गा रहा हूँ बिल्कुल मतलब शम्मी कपूर स्टाइल में। और मैं तो आप गैस कीजिए, एबीपी को मैसेज कीजिए, क्या है आपका मैसेज कोड एबीपी का, उस पर मैसेज कीजिए कि मेरा लुक किससे इंस्पायर्ड है जी, उई। और मेरा किससे इंस्पायर्ड है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, भाभी जी घर पर हैं, लव यू। और ये तीनों ही भेष बदल कर पहुंच गए हैं चाइना टाउन नाम के क्लब में, और इन्होंने अपने आप को डांसर्स बताया है, और देखिए क्या आग लगाई है तीनों ने यहाँ मिलकर। विभूति तिवारी और अंगूरी भाभी इस क्लब में आए हैं किसी मकसद से, क्योंकि क्लब का मालिक जिस तरह अंगूरी भाभी को देख रहा था, जिस तरह उन्हें जन्नत में पहुंचाने की बात कर रहा था, और जिस तरह विभूति तिवारी और भाभी जी एक दूसरे को लुक दे रहे थे, इससे साफ है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और हाँ, यहाँ प्रेम चोपड़ा भी पहले से मौजूद हैं, तो गड़बड़ तो होगी ही होगी। इसी गड़बड़ को ठीक करने शायद ये तीनों यहाँ आए हैं। चाहे जो भी गड़बड़ हो, देखने वालों को तो खूब मजा आएगा और खूब हंसी आएगी। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जिसने भी कहा है ना 100% सही कहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और ऐसा लगता है कि खुदा ने मंजूर कर दिया है जी हाँ ज़ारा और कबीर के इश्क को, तभी तो दूसरी बार भी हो गया है इनका निकाह। ज़ारा और कबीर के निकाह में जिसका सबसे ज्यादा डर था, वैसा कुछ तो हुआ ही नहीं, यानी कि रुखसार के मंसूबों पर पानी फिर गया। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, हुआ तो कुछ उल्टा ही, ज़ारा और कबीर का निकाह एकदम अच्छे से निपट गया। हाँ इन मौके पर कोई आया तो सही कुरियर लेकर, जहाँ पर रुखसार को लगा कि उसका निकाह नामा आया है, लेकिन जब उसने कुरियर खोल कर देखा तो उसमें रुखसार के बेल के पेपर्स निकले। रुखसार को दुबई के कानून के मुताबिक अब वो कैदी नहीं है, ऑफिशियली उनको रिहा हो गई वो, तो उसे ये बात, उसे खुद को ये बात नहीं पता थी, तो वो वेट कर रही थी निकाह नामा आएगा, पर वहाँ से बेल आ जाती है रुखसार के लिए। दूसरी बार रुखसार का प्लान फेल हो गया, बेचारा कबीर इस बार तो बच गया, लेकिन वो कब तक बचता फिरेगा, आखिर उसे एक न एक दिन तो ज़ारा को बताना ही पड़ेगा कि उसका निकाह रुखसार के साथ हो गया है। एक दुल्हन का ही पता है, दूसरी का पता ही नहीं है किसी को कि उसका निकाह ऑलरेडी हो चुका है, उसके निकाह नामा अभी आने वाला है, और बस वो उसका वेट करिए कि जैसे उसका निकाह नामा आएगा वो सबको बता देगी कि वो कबीर की वाइफ है। अब ज़ारा से निकाह करके कबीर भले ही कितना ही खुश हो, लेकिन अंदर से वो अपने कश्मकश को अच्छे से जानता है, और देखना रुखसार इसका फायदा जरूर उठाएगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वे
वैसे सच ही तो है, ये टीवी की दुनिया ना टोटली अनप्रिडिक्टेबल होती है, पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब देख लीजिए कलीरे में कल तक विमान जो है खून के प्यासे हो रखे थे, मीरा के खून के प्यासे, और आज तो भैया दोनों बाथरूम रोमांस कर रहे हैं। मीरा विमान का रोमांस यही नहीं थम रहा, जब ये दोनों नहा धोकर फ्रेश होकर मीरा के घर पहुंचे, तब यहाँ भी उनका स्वागत दादी जी ने किया और दरवाजे पर दादी जी ने भी रोमांस की बातों को छेड़ दिया। फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर बच्चों से बच्चे करने की हिदायत देने लग गईं। ये सब कुछ सुनकर जब विमान फिर से रोमांस के मूड में आया तो टेबल के नीचे मीरा से पैर लड़ाने लगा, मगर ये पैर फिर दादी को लगा। और जब दादी ने ये खुलासा किया तब इन सब के चेहरे देखने लायक थे। दादी ने बाद में बोला थैंक यू, मतलब उनको मजा आया। तो गलती से लग गया था, जैसे बहुत ही कॉमन सीन है काफ़ी फिल्मों में होता है, तो इनके पाँव छूते छूते मैं गलती से दादी पाँव बीच में ले आती है, तो मैं दादी का पाँव छू लेता हूँ पाँव से, नॉट लाइक दैट। कलीरे की कहानी आजकल कुछ अजीब सी हो गई है। कल तो विवान मीरा को चाकू से मार रहा था और आज रोमांस कर रहा है। डर और रोमांस दोनों साथ साथ चल रहे हैं, शायद कहानी में मोड़ लाने के लिए यही तरीका अपनाया गया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।